आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से। Once again we thank God। कि हम परमेश्वर के वचन में से सीखने जा रहे हैं। So that we are going to learn something from the word of God। और मैं आपके साथ छोटी सी बात को मैं बांटना चाहती हूँ। And today I want to share a small thing with you all। कि मैं और आप यीशु मसीह को अपने जीवन के द्वारा कैसे दिखाएं। How we can show Lord Jesus in our life। क्योंकि यीशु मसीह कोई मूर्ति नहीं है। Because Lord Jesus is not an statue। एक जगह रखने वाला ईश्वर नहीं है। Is not a static God। लेकिन मुझ में और आप में होकर के काम करने वाला परमेश्वर है। But he is a Lord dwelling God in my life and showing his attitude in our life। और परमेश्वर के वचन में हम इस बात को पाते हैं। And we find it in the word of God। पौलुस लिखते हैं। Paul writes। फिलिपियुस का दूसरा अध्याय और पांचवे पद में। In Philippians chapter 2 and verse 5। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। Here it is written that you should have the same attitude in your life as Lord Jesus had। यीशु मसीह का जैसा स्वभाव है, the nature of Lord Jesus, वैसा ही मेरा और आपका स्वभाव होना है। Our nature should also be the same। जबकि मैं इस बात को पाती हूँ, when I find this, कि कई ऐसे पास्टर प्रचारक हैं, there are many pastors and preachers, कई ऐसे विश्वासी हैं, there are many believers, जो यीशु मसीह को तो मानते हैं, who believe in Lord Jesus, लेकिन उसके स्वभाव को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, but they cannot accept the life, the nature or attitude of Jesus in their life। कई बार लोग इस प्रकार से होते हैं, there are many people, कि यदि उनको कुछ बोल दिया जाए, that if something is told to them, तो नाराज हो जाते हैं, they get angry। कई ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलते हैं कि मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है। There are many people will find who say that I get angry very soon। और हम इस बात को पाते हैं। And we find that कि परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बोल रहा है। That the word of God is telling you and me today कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है, as the attitude of Lord Jesus, वैसा ही मेरा और आपका स्वभाव होना है। We should have the same attitude or same mindset। क्योंकि उसी में आगे लिखा हुआ है। Because further it is written, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, वह परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, who though he was in the form of God, परमेश्वर के तुल्य होने को, परमेश्वर के तुल्य होने को, did not count equality with God, अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा। A thing to be grasped। स्वयं प्रभु यीशु मसीह, Lord Jesus himself, जो परमेश्वर के पुत्र हैं, who was the son of God, वो इस संसार में रहते हुए, while he was in this world, उन्होंने अपनी प्राथमिकता को नहीं दिखाया। He did not show his priority। बाइबल में इस बात को हम पाते हैं। We find it in the Bible, कि जब वो चेलों के साथ निकलते थे, while he was walking with his disciples, तो लोगों को समझ नहीं आता था, then people could not understand, कि यीशु मसीह कौन है, that who is Lord Jesus, लोग देखना चाहते थे, people wanted to see him, जानना चाहते थे, they wanted to know, और इसका मतलब है, and it means, कि उनका वस्त्र अलग नहीं होता था, that his attire or his robe was not different, लेकिन वो इस संसार में रह कर के एक अलग जीवन को जिए हैं, but his life was different in this world। बाइबल में लिखा हुआ है, It is written in the Bible, कि उनके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली। Nothing deceitful words came out of his mouth। पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय और उसके 22 पद से जब हम आगे पढ़ेंगे, First Peter chapter 2 and verse 22-23, तो हम वहाँ पर पाते हैं, Here we find, कि उनके जीवन में कोई भी पाप नहीं था। He committed no sin। उनके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली। Neither any deceit found in his mouth। और जब हम मनुष्य के स्वभाव को देखते हैं, but when we see the nature of human being, तो हम एक दूसरे से ही छल करते हैं। We find that we are deceitful to one another। एक दूसरे से ही डाह और ईर्ष्या रखते हैं। We are jealous to one another। भाई भाई में आपस में प्रेम नहीं है। There is no love found between two brothers। लेकिन बाइबल कह रही है, but the Bible says, कि हमारे अंदर यीशु मसीह का स्वभाव आना है। We should have the nature and attitude of Lord Jesus। यीशु मसीह गाली सुन करके गाली नहीं देते थे। Lord Jesus did not revile while he was reviled। लेकिन यदि आज हम देखें, but if we see today, यदि आज गाली दिया जाए, if somebody is threatening us, तो दूसरा सोचेगा, then the other man will think, कि मुझे भी गाली देना है, that I have to repay the same। यदि उसने एक बोला है,
If he has done something, तो मुझे भी दो बोलना है. He has to repeat that twice to him. मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है. I have seen many people. जो बोलते हैं कि यदि मुझे 10 बार मारा गया है. Who say that if I was beaten 10 times. तो मैं कम से कम एक बार तो मारू ही. Then I will at least beat him once. बदला लेने की भावना. Take revenge. बदला लेने का स्वभाव. Attitude of revenge. परमेश्वर का वचन कहता है. The word of God says. किसको बदलना है. We have to change our attitude. और मसीह के स्वभाव को अपने अंदर आने देना है. And we have to adopt the attitude of Lord Jesus. और हम इस बात को जाने. And we should know. कि जब तक से हमारे स्वभाव में परिवर्तन नहीं आएगा. Until there is no change in my life. हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे. We cannot enter the kingdom of God. बाइबल में लिखा हुआ है. It is written in the Bible. गाली देने वाले. The people who revile, परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे. They will not inherit the kingdom of Lord. इसलिए पौलुस लिखते हैं. Therefore, Paul writes, कि मसीह यीशु के स्वभाव के जैसा ही हमारा स्वभाव हो. Our attitude should be the same as Lord Jesus had. यदि हम यीशु मसीह को मानते हैं. If we believe. यदि हम यीशु मसीह को जानते हैं. If we know and obey Lord Jesus. तो हमको हमारे जीवन के द्वारा यीशु मसीह को दिखाना होगा. Then we should show Lord Jesus through our life to others. हमारे स्वभाव में वो परिवर्तन आना चाहिए. There should be change in our attitude. कि दूसरे देख करके कह सके. So that others who watch us. कि ये देखो मसीह के लोग हैं. They could tell that these are the man of God, Lord Jesus. मैं इस बात को बोलती हूँ. I say that. कि कई बार हमें प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है. Many times we don't need to preach. केवल अपने स्वभाव से मसीह को दिखा देने की आवश्यकता है. शो लॉर्ड जीसस इन योर लाइफ बाय योर एटीट्यूड. संसार में रह करके यदि आप अलग दिखेंगे. व्हाइल लिविंग इन दिस वर्ल्ड इफ यू सी समथिंग डिफरेंट. अलग आपका स्वभाव होगा. इफ योर बिहेवियर इज डिफरेंट. तो दूसरे जरूर जानना चाहेंगे. देन अदर पीपल विल श्योरली वांट टू नो. कि आप किसे मानते हैं. हुम यू बिलीव. सो आज के बाद से. From now onwards, कि हम अपने स्वभाव में परिवर्तन को लाएं. There should be change in our attitude. और जैसा यीशु मसीह का स्वभाव है. And as his mind was. उस स्वभाव को ग्रहण करें. The same attitude, the same nature we should have in our life. So परमेश्वर हमारी सहायता करें. So let God help each one of us. कि यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर से दिखाई दे. So that the attitude of Lord Jesus may be seen in our life. और हमारे जीवन के द्वारा दूसरे लोग आशीषित होने पाएं. And other people may be blessed through our life. So परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे. So let God bless each one of us with these words.